सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे सप्तमा पाठ गीता गंगोदकम का सेकेंड पार्ट द्वितीय पार्ट। सबसे पहले इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 का ट्रांसलेशन समझे थे, अनुवाद समझे थे, और अब जो है इस वीडियो में श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों? अहम वैश्वानरो, अहम मीन्स क्या होता है बच्चों? मैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वैश्वानरो, वैश्वानर रूप में भूत्वा, प्रत्येक प्राणी में स्थित होकर के, प्राणिनाम भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रितः, प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित होकर के क्या करता हूं? मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहने वाला प्राण अपान समायुक्त, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर रूप होकर के, अर्थात अग्नि का रूप में, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, पचाम्यन्नम पचाता हूं किसको? चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण, कि मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के अग्नि रूप में। बच्चों, हमारे जो हृदय में, पेट में क्या होता है? एक अग्नि होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। जठर में होने के कारण से उसका नाम जठराग्नि पड़ जाता है, जिसकी वजह से, उसी अग्नि की वजह से हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे पेट में, वो क्या हो जाता है? पच जाता है, भोजन पच जाता है। तो वो कौन होता है? भगवान कहते हैं कि मैं वही अन्न अग्नि का रूप ग्रहण करके सभी व्यक्ति के हृदय में स्थित होकर के चार प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो ये चार प्रकार के अन्न क्या होते हैं बच्चों? चार प्रकार के अन्न में भक्ष, भोज्य, चोष्य और लेह, ये चार प्रकार के अन्न कहे गए हैं बच्चों। तो भक्ष मीन्स क्या होता है? जिसको हम चबा के खाते हैं। भोज्य मीन्स क्या होता है? जिसको हम पीते हैं। और जो तीसरा है चोष्य, चोष्य का अर्थ होता है जिसे हम चूस करके खाते हैं, जैसे आम हो गया, है ना, गन्ना हो गया। और लेह चौथा है, लेह। तो लेह का अर्थ क्या होता है? जैसे मधुरस है, तो मधुरस को हम क्या करते हैं? जीभ से ऐसे चाटते हैं, तो वो लेह में आ जाता है। तो ये चार प्रकार के अन्न को कौन पचाते हैं? भगवान ईश्वर ही अग्नि रूप में स्थित होकर के हमारे अंदर विश्वान रूप में, अग्नि रूप में चार प्रकार के अन्न को पकाते हैं, है ना, पचाते हैं। तो ये चार प्रकार के अन्न को पचाते हैं, तभी हम जीवित रह पाते हैं और तभी हम ये स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए कहते हैं बच्चों कि चराचर विश्व में, है ना, वो परमपिता परमेश्वर ईश्वर व्याप्त है और वही अभियंता है, वही करता है, वही पालन करता है, वही सहार करते हैं, करता है। तो इस प्रकार से पहले नंबर के श्लोक आप लोगों को समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, आप नंबर 4 पे श्लोक दिया हुआ है, सुखो दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। क्या दिया है बच्चों? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। और क्या दिया है? ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पाप ममाप्यस्यसि। क्या कहा गया बच्चों? ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पाप ममाप्यस्यसि, कहा गया है सुख दुखे समय कृत्वा। सुख दुख समय कृत्वा में क्या होता है? समान मान करके, समान जान करके, लाभा लाभो जया जय, द्वंद समास है लाभा लाभा लाभ, है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है? लाभ और लाभा लाभो जया जय, लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख को समान मान करके, समान समझ करके। ततो युद्धा युज्यस्व, युद्ध के लिए क्या
पहुंच जाओ, तैयार हो जाओ। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ करके क्या हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे नैवं पाप मोप्स्यसि, नैवं पाप मोप्स्यसि। क्या कहा गया है, तुझे पाप नहीं लगेगा। किस प्रकार से युद्ध करने में पाप नहीं लगेगा, ये सबको समान समझ करके, इसको सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय सबके जीवन में घटित होता रहता है, और इसको समान मान करके, इसको समान समझ करके, है ना, क्या करना चाहिए, युद्ध के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये समझाते हैं कि इस सबको समान समझ करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें नहीं पाप आपको नहीं लगेगा। तो हमारा भी यही कर्तव्य है, धर्म है बच्चों, ये सब हमारे लिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब चीज में जीवन में लाभ हानि सुख दुख और जय पराजय होता ही रहता है। इससे इनसे हमें, है ना, दूर रह करके, कहने का तात्पर्य यह है कि जय पराजय यदि लाभ हुआ तब भी से ठीक है, हानि हुआ तब भी से ठीक है, इनको विधि का विधान मान करके यदि हम अपने कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, कर्तव्य के मार्ग पर आगे प्रशस्त आगे बढ़ सकते हैं। और फिर इससे क्या होगा कि हम कहीं पर रुकेंगे नहीं और अनवरत रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे समय का सदुपयोग होगा और हम अपने कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, विद्वत जन होते हैं, वे सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि में, है ना, उसमें रमण नहीं करते हैं, जो हुआ सो हुआ। बाकी जो अपने आगे का कर्तव्य कर्म है, अपने जो हाथ में जो वर्क है, काम है, उसको बखूबी से वो कंप्लीट करते रहते हैं, क्योंकि जो हुआ उसको सोचने से कुछ होगा तो नहीं, है ना, नुकसान हो सकता है कि हम अपने वर्तमान समय को पास्ट की सोच में खराब कर रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान समय को सदुपयोग के लिए, वर्तमान समय का सदुपयोग के लिए हमें इन सब का चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का 3 और 4 नंबर के श्लोक है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा और इस श्लोक को अच्छे से लर्न करिएगा। ओके।